जिक्र इलाही का फायदा फक्त इंसान की अपनी जात ही को होता है या इसके मुतल्लकीन को भी इसका फैज पहुंच सकता है? बेटे चराग जब जलता है, जलाता तो एक बंदा अपने लिए है, लेकिन क्या उसकी रोशनी महदूद हो जाती है उसे के? बेशक जलाता तो जो भी है वो अपने लिए है, लेकिन जगह रोशन होती है तो जितने वहां होते हैं रोशनी सबको पहुंचती है। तो ये लोग मेहनत तो अपने लिए करते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लोग भी होते हैं रोशनी सबको पहुंचती है, फायदा सबको होता है, तो मुस्बत तब्दीली सब में आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सवाल पेश किया गया कि या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, आपके मुकर्रबीन साहबा गुजर जाएंगे, अच्छे लोग गुजर जाएंगे, तो क्या शनाख्त होगी बंदे की? एक तो ये क्वालिफिकेशन है ना आपके पास, ये साहबी है, ये क्वालिफिकेशन है, ये ताबी है, ये तबा ताबी, ये सब लोग गुजर जाएंगे तो ये तो क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। तो फिर जो लोग रह जाए वो किसके पास जाएं, किसको मालिश समझें दिल का और किससे इस्तफादा करें? तो आपने फरमाया जिसकी मजलिस में अल्लाह याद आए, यानी जिसके पास बैठने से अल्लाह की याद आए वो मालिश होगा कुलूब का। तो ये दलील है कि जिससे मुतल्लिक होकर आपको अल्लाह याद आए, आखिरत याद आए, अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो, दीन से मोहब्बत पैदा हो, बुराई से नफरत पैदा हो, तो वो पीर है, वो सूफी है, वो स्कॉलर है, वो डॉक्टर है, वो मालिज है, इसका स्पेशलिस्ट है, तो उससे फिर फायदा सबको हासिल होता है। और वही चिराग वाली बात कि जब चिराग जलेगा तो फिर रोशनी होगी और रोशनी सबको फायदा देगी। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी तो है कि बच्चे जो हैं उनके लिए वालदैन रोल मॉडल होते हैं, तो अगर वालदैन नेक काम करते हैं तो यकीनन फैज तो जा रहे हैं ना, बच्चों को भी जा रहे हैं और बच्चे भी उनकी पैरवी करेंगे। एक और सवाल है हज़रत साहब के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक मिसाल दी है, हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में मौजूद है कि आप अगर लोहार के पास बैठते हैं तो आपको उसकी भट्टी का धुआं भी आएगा, आपकी तपश भी आएगी, और हो सकता है कि आप पर कोई चिंगारी उड़कर पड़े, आप जल जाए, नहीं तो कम अज कम धुआं और तपश तो आती रही। बेशक, और अगर आप अत्तार की दुकान में बैठते हैं, हो सकते हैं वो आपको थोड़ा सा असर तोहफे में दे दे, न भी दे, जितनी देर बैठेंगे दिमाग मुअत्तर रहे, खुशबू तो आती रही, आती रही। तो ये हुजूर सल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो ये मिसाल है अच्छे। बेशक।